हाँ तो भाई क्या हाल है सबके। उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया हो गए और बढ़िया ही रहना। सो भाई काफी दिन हो गए, लगभग 15 से 20 दिन हो गए अपने को रेस्ट करते हुए और अपनी किट हो गए। राइड पे जो सीन हुआ ना अपने साथ, वो सच में मतलब उसके बाद मैं ब्लैंक हो गया एकदम। और मैं सोच रहा था कि बीच बीच में काफी दिन जो निकल रहे थे कि व्लॉग करूंगा करूंगा, पर पता नहीं क्यों मतलब हिम्मत सी नहीं हो रही थी। और ऐसा लग रहा था कि अब जब रेस्ट करना ही है तो ढंग से एक बार रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा भागा दौड़ी उस टाइम पे चल रही थी और एक्साइटेड तो हम थे ही उस राइड के लिए। पर ठीक है, एक्सीडेंट जो हो गया उसके बाद से अब काफी रिकवरी हो गई है। वही आप लोग बताओ कैसे हो सारे कमेंट सेक्शन में। बढ़िया ही हो गया जहां तक मेरे को लगता है। व्लॉग अपना आज का होने वाला है वो है अपनी BMW G310 RR की क्लेम की प्रोसेस क्या चल रही है। और सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है सबका कि बाइक कब मिलेगी। तो मेरे को ना डॉक्टर ने बोला है कि आप वोलिनी स्प्रे लगा सकते हो, कहीं पे भी आपके स्वेलिंग है और इस पे बने भी हुए हैं। और ये ना स्पोर्ट्स के दिनों में हमने काफी यूज किया है, बढ़िया फुटबॉल मैचेस जब खेला करते थे तो कहीं ना कहीं ठुक जाता था हाथ पैर और फिर ये लगा करके सेट हो जाता था मामला। पर अभी मेरे को ना हल्का हल्का नीज पे यहाँ पर हल्की हल्की स्वेलिंग है, मतलब जैसे कार वगैरह में चला लेता हूँ 50 किलोमीटर के आसपास तो नी में हल्का सा दर्द होने लग जाता है। तो इस वजह से कहीं लॉन्ग ड्राइव पे भी निकलना है ना, उससे पहले भी 10 बार सोचना पड़ रहा है। वैसे तो ये है कि कुछ टाइम के अंदर रिकवरी और हो जाएगी, मतलब 4-5 दिन और लगा लो उसके बाद ये एकदम परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कहीं लॉन्ग ड्राइव पे भी निकलना है ना तो वो भी कर सकते हैं। और ये साथ में जो है डॉक्टर ने बोला है अगर आपको वोलिनी स्प्रे नहीं लगाना है तो आप जो है एक ये जेल दिया हुआ है, ये जेल देख लो, अगर किसी को स्वेलिंग वगैरह है तो वो लगा सकते हैं, पर बिना डॉक्टर कंसल्ट के मत लगाना। कहीं बोलो विनय भाई आपने ये बता दिया, ये जेल दिया हुआ है। और साथ में हमको दी हुई है कैल्शियम की कुछ टैबलेट्स, ये मायरिस्कल, और ये भी ठीक है, मतलब सब कुछ सही है। तो ये सब हमको अभी तक यूज़ करना पड़ रहा है अपनी रिकवरी के लिए, और तो ऐसी किसी ज़रूरत नहीं है चीज़ की। और ये हमको एक बैंड दिया हुआ है हाथ में बांधने का, ये मैं बांधता हूँ सिर्फ जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ, बाकी घर में भी बांध लेता हूँ, बस नहाते टाइम और सोते टाइम मैं इसको उतार देता हूँ। तो इस बैंड को फटाफट हम जो है अपने हाथ पर बांध लेते हैं। और ये चीज़ अच्छी है कि भाई हाथ में कोई प्लास्टर वगैरह नहीं आया है, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब इसकी जो स्वेलिंग वगैरह है ना वो भी सारी खत्म हो चुकी है, इसको भी बांध लेते हैं क्योंकि डॉक्टर ने बोला है हमको ये 1 महीने तक तो एटलीस्ट बांधना है। तो ये मैंने 10 तारीख को बनवाया था, मतलब डॉक्टर को दिखाया था जब, और अभी नेक्स्ट जो 10 तारीख आएगी अगस्त वाली तब इसको अपन खोल के जाएंगे डॉक्टर के पास, तब करवाएंगे इसके। चलो भाई कैमरा हमने अच्छे से कर दिया सेट बढ़िया ट्राइपॉड पे लगा करके, और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लेम प्रोसेस बतानी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो अगर आपको क्लेम करवाना है तो उसमें 2 क्लेम होते हैं, पहला होता है कैशलेस सेटलमेंट और दूसरा होता है रीइंबर्समेंट सेटलमेंट। और अपने वाले सीन में है कैशलेस सेटलमेंट, क्योंकि कैशलेस सेटलमेंट में क्या होता है कि अगर आपकी बाइक में कोई भी डैमेज आता है या कोई भी ऐसी चीज़ आती है आपको रिपेयर करनी हो तो आप बाइक को जो है सीधे अपने नियरेस्ट गैराज या सर्विस सेंटर जो है जिस कंपनी का वहाँ ले जा करके दे दें, और फिर वो क्लेम वाली कंपनी से कॉन्टैक्ट करके एक बिल तैयार करते हैं। देन उसके बाद जब वो क्लेम पास होता है तब बाइक में काम शुरू होता है कि टोटल लॉस में जानी है या रिपेयर होनी है। और रीइंबर्समेंट सेटलमेंट में ये होता है कि अगर मान लो आपकी बाइक में कोई डैमेज है तो आप उस बाइक को किसी भी नियरेस्ट गैराज पे या फिर सर्विस सेंटर पे ले जा करके आप रिपेयर करवा लें पहले, और उसका जो बिल जनरेट होगा और जो रिसिप्ट वगैरह होगी वो सारे एकदम ओरिजिनल आपके पास होने चाहिए, और उस वाली रिसिप्ट से ये पता चल जाएगा कि आपकी बाइक में क्या क्या काम आपने करवा लिया है, पहले करवा लिया है बाइक आपने रिपेयर करवा लिया है। देन आप उन रिसिप्ट के साथ क्लेम वाली जो कंपनी है उससे आप रीइंबर्समेंट की मांग कर सकते हो कि हमारी बाइक में ये हुआ था, अब हमने 0 डेथ लिया हुआ है तो हमें जो है अब आप पैसा दे दो इसका जो भी है, तो वो उस हिसाब से उनको सेटलमेंट करती है। अब हमारे वाले केस में है कैशलेस सेटलमेंट, और इस वाले में यही हुआ था कि हमने 8 जुलाई को जब अपना एक्सीडेंट हुआ था तो 9 तारीख को बाइक सबमिट कर दी थी BMW सर्विस सेंटर ओखला। तो भाई अभी अपन BMW मोटोरेड पहुंच गए ओखला वाले में, और RSA से अपनी बाइक आ गई है मेरा सामने अपना BMW मोटोरेड, ये जा रही है भाई सर्विस सेंटर के अंदर अपनी बाइक अभी यहाँ खड़ी कर दी है BMW सर्विस सेंटर। अब 9 तारीख को जब हमने बाइक अपनी करी थी सबमिट वहाँ पर, तो उस दिन था संडे, तो संडे को ज़्यादातर क्लोज होती हैं चीज़ें, तो मंडे को हमारी क्लेम प्रोसेस हो गई थी शुरू। अब अपन आते हैं क्लेम प्रोसेस पे, पहले अपन बात करते हैं एक जनरल क्लेम प्रोसेस क्या होता है। तो भाई किसी भी कंपनी का आपने अगर क्लेम लिया हुआ है ना तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी बाइक का 0 डेप्थ होना चाहिए, बाइक और कार कुछ भी हो, जब भी कोई क्लेम आप भरते हो ना तो उसमें एड ऑन्स आता है एक, और एड ऑन्स में ये ध्यान रखना है कि 0 डेप्थ अगर कहीं पर भी टिक कर देना बिना देखे, मतलब कंप्यूटर में तो देख के ही करोगे लेकिन बिना सोचे समझे कर देना। और उसमें साथ में होता है एक RTI जिसका मतलब होता है रिटर्न टू इनवॉइस। तो उसमें ये होता है कि आपकी बाइक का जो भी इनवॉइस आपको बाइक खरीदते टाइम मिला होगा वो सारा आपको कंपनी रिटर्न करेगी, जब तक कोई ऐसा केस नहीं हो जाता जैसे कि
पूरी बाइक ही खत्म हो गई हो हमारी तरह। तो ऐसे वाले सीन में जीरो डेप्थ बहुत जरूरी है। तो जीरो डेप्थ हमेशा अपनी बाइक का या कार का लेके रखना वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसको करवाते टाइम तो मुश्किल से 2,000-2,500 रुपए जाते हैं, पर लेकिन वो जब बाइक में कोई नुकसान हो जाए तब वो बहुत काम आते हैं भाई, लाखों तक का फायदा होता है उससे तगड़ा वाला। तो इसीलिए तो क्लेम प्रोसेस जनरल यही होती है कि अगर आपकी बाइक में कोई जो है डैमेज हुआ है, तो डैमेज होने के बाद आप तुरंत कंपनी को कॉन्टेक्ट करिए, चाहे अपनी जिससे आपने क्लेम दे रखा है उसको, चाहे आप अपनी कंपनी के सर्विस सेंटर वालों को, कि हमारी बाइक में एक्सीडेंट हो गया, ऐसा हो गया। ज्यादा से ज्यादा अगले दिन तो बताना ही पड़ेगा, वरना अगर आपने इसको लेट कर दिया तो रिजेक्शन हो सकते हैं ये केसेस। अब मान लो आपकी बाइक में कुछ भी नुकसान हो गया, वैसे तो ना हो तो अच्छा है, पर फिर भी कुछ हो गया, तो आप उसको तुरंत अपने बता दें कंपनी को या फिर क्लेम वालों को जो भी है। उसके बाद वो बंदे इन्वेस्टिगेट करेंगे उसको, पूरी चीज को, ठीक है। और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस और RC तो 100% होनी चाहिए, ठीक है। तो वो चीज को वो सब देखेंगे, क्लेम वाले, शोरूम वाले भी। उसके बाद उस जगह को वो पूरा अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब उसके बाद इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो ये डिसाइड करेंगे कि आपकी बाइक में खर्चा कितना आया है, जो BMW या जैसे मेरे केस में BMW है, तो वो एक बिल जनरेट करेंगे और उस बिल के थ्रू कंपनी वाले बताएंगे कि भाई क्या होना है। तो ठीक है, ये पूरा होता है क्लेम प्रोसेस। और उसके बाद क्लेम पास होता है तो इन सब चीज़ों में ना, वैसे सच बताऊं तो 30 दिन का टाइम होता है। 30 या 45 दिन के अंदर आपकी बाइक का सब कुछ फाइनल होके बाइक आपके हाथ में होती है, या फिर एक के बदले दूसरी बाइक मिलती है तो आपके हाथ में होती है। 30 दिन ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, हद मार के 45 दिन कंपनी बोलती है, ठीक है। 45 डेज के अंदर सारा काम हो जाना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि अपनी स्टार्टिंग से लेकर के अब तक की प्रोसेस कितनी हुई है। जब हमने 9 तारीख को बाइक सबमिट कर दी, तो संडे था, तो 10 तारीख को हमारी बाइक का जो क्लेम वाला प्रोसेस है वो हो गया था स्टार्ट। अपने पास फोन आ गया था कि आपकी बाइक यहाँ आई हुई है, आपको मतलब कि अब क्लेम वगैरह का सारा कुछ फॉर्म साइन करना पड़ेगा। तो 11 जुलाई को मैं अपनी फैमिली के साथ गया था। जो फॉर्म होता है क्लेम वाला, वो सारा उसमें लिख करके उसमें डिटेल्स लिखनी पड़ती है कि आपका एक्सीडेंट हुआ कैसे था। मतलब उसमें तो इतना मतलब डीपली नहीं लिखना पड़ता, ऊपर ऊपर से लिख दो तो भी चलेगा, बस बताना होता है कि कहाँ और कैसे हुआ, बस शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद नीचे आपके सिग्नेचर होंगे और देन फिर क्लेम प्रोसेस रहेगी आपकी स्टार्ट। तो वो अपनी स्टार्ट हो गई थी 11 जुलाई को। अब उसके बाद 15 जुलाई को, मतलब 15 जुलाई 2023 को अपनी बाइक का आया बिल एस्टिमेट। मतलब जब हमने BMW में अपनी बाइक खड़ी करी थी तो इन्होंने वो पूरी अच्छे से देखी होगी जो सर्विस सेंटर है। उसके बाद 17 जुलाई को अपने पास मेल आया इंश्योरेंस कंपनी से, जिस कंपनी का हमारा इंश्योरेंस था। मतलब देख रहे हो सारे काम ना, मतलब डेट वाइज चलते जा रहे थे, कोई ज्यादा डिले नहीं हो रहा था कि एक एक हफ्ते बाद चल रहा है, धड़ाधड़ चल रही थी सारी प्रोसेस, और एक एक मतलब दो दो दिन के अंदर ही प्रोसेस चल रही थी। 17 जुलाई को अपने पास मेल आया इंश्योरेंस कंपनी से कि आपको ये 7 या 8 पॉइंट जो है ये भरने पड़ेंगे, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा और जितनी भी चीजें हैं कि क्लेम के लिए सारी चीजें होती हैं कि आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ, वो ढंग से पूरा लिख करके आपको बताना पड़ेगा। एक चीज जो है उसमें बतानी पड़ेगी, वो सारा मेल हमने 18 जुलाई को भर के सबमिट कर दिया और उनको मेल कर दिया, BMW को भी और इंश्योरेंस कंपनी को भी। अब भाई हमने 18 जुलाई को जब अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए ना, तो भाई आज है 28th, मतलब 10 दिन हो चुके हैं उस बात को। और उसके बाद से 18 जुलाई के बाद से इन्वेस्टिगेशन हो गई इनकी स्टार्ट। फिर इन्होंने सारी चीज़ें देखी होंगी, छानी होगी। एक चीज़ ये भी थी कि आपको मेडिकल डॉक्यूमेंट देना है, तो इस हाथ में जो मेरा डॉक्टर को दिखाया था मैंने, एक्सरे वगैरह जो कराया था वो सारा मैंने इनको दे दिया था। उसमें एक चीज़ और थी कि आपको प्रूफ देना है कि आपका एक्सीडेंट हुआ है। तो प्रूफ में मैंने जो एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो को मैंने इसमें दे दिया था इनको कि भाई हमारा एक्सीडेंट यहाँ हुआ है, उस जगह की ये फोटो है और ये हमारी बाइक की हालत है, तो एक्सीडेंट तो हुआ है, मतलब हम झूठ नहीं कह रहे हैं, हम ऐसे ही नहीं हाथ तोड़वा के बैठे जबरदस्ती। तो ये सारा प्रूफ हमने उन्हें दे दिया था। अब 18 जुलाई को देने के बाद इन्वेस्टिगेशन हो गई स्टार्ट। अब इनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है इतने दिन से, अब आज 28 जुलाई हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ऐसे क्लैरिफिकेशन नहीं आया है कि आपका क्लेम पास हो गया है कि नहीं हुआ है। वैसे तो उम्मीद यही कर रहे हैं कि पास ही हो जाएगा, पर अभी भी एक तरह से 50-50 रखा हुआ, आप कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या होना है क्या नहीं होना है। और जैसे आप लोग भी मुझसे DM में पूछ रहे हो कि बाइक कब मिलेगी, बाइक कब मिलेगी, तो उसका जवाब भी मेरा यही है कि भाई अभी मुझे भी नहीं पता है कि बाइक कब मिलेगी। और ये भी नहीं पता, मतलब क्या नहीं पता वो मैं आपको बताता हूँ, कि इन्होंने मतलब दो कंडीशन रखी है कि अभी आपकी बाइक जो है रिपेयर हो सकती है और आपकी बाइक टोटल लॉस में जा सकती है। तो अगर हमारी बाइक रिपेयर होगी तो हमको 4,000-5,000 रुपए देने होंगे फाइल चार्ज के, जिसमें हमारी बाइक रिपेयर होकर के हमको मिल जाएगी। अब वो
कितने दिन के अंदर मिलेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर हमारी बाइक जाती है टोटल लॉस में तो उसमें ये होगा कि हमारी बाइक का जीरो डेप्थ के साथ RTI भी है, जिसको रिटर्न टू इनवॉइस कहते हैं, जो मैंने बताया था। लेकिन अभी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, ना ही इन्होंने मुझे बताया है कि भाई आपका क्लेरिफिकेशन हो गया है इंश्योरेंस का। सब ऐसे चल रहा है अभी काफ़ी टाइम से। अब मैंने इतनी बार फ़ोन भी किया है वैसे तो कि भाई क्या सीन है क्या सीन है, तो उनकी भी कोई ऐसी गलती नहीं है सच बताऊं तो, क्योंकि और भी बहुत सारे केसेस आते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारा काम जल्दी हो जाए, पर ऐसे और 50 लोग खड़े होते हैं पीछे जिनको ये लगता है कि उनका काम भी जल्दी हो जाए। तो जो करने वाले लोग हैं वो तो सबको लेकर के चल रहे हैं ना, कोई इंडिविजुअल को लेकर तो चल नहीं रहे, तो इस वजह से वो अपना टाइम ले रहे हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी 10 दिन हुए हैं, 10 दिन में सारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख रहे हैं, जो भी है जानते हैं कि हाँ भाई सारी चीज़ें जो हैं एक्सीडेंट में जो जो नुकसान हुआ है वो सारा अब इनको रिकवर करना है, कैसे करना है कैसे नहीं, अब सारा कुछ है BMW के ऊपर और इंश्योरेंस क्लेम के ऊपर। मैं तो हो गया हूँ थोड़ा सा पीछे, क्योंकि मुझे तो सिर्फ अब फ़ोन इस चीज़ के लिए आना है कि आपका क्लेम पास हो गया है, क्योंकि नहीं तो सुनना नहीं है हमको, हाँ ही सुनना है। तो इस वजह से अब देखते हैं वो क्लेम पास होने वाला हमारे पास क्लेरिफिकेशन कितने दिन में आता है, अगर आएगा तो मैं आप लोगों को बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन अभी तक की अपनी क्लेम प्रोसेस यही थी। और हाँ, इस चीज का ध्यान आप लोग जरूर रखना, अगर आप कभी भी इंश्योरेंस रिन्यू करवाते हो, क्योंकि पहला इंश्योरेंस जो मिलता है ना उसमें जीरो डेप्थ रहता ही रहता है, आप लोग अगर अपनी बाइक का कभी इंश्योरेंस रिन्यू करवाते हो तो जीरो डेप्थ और RTI जरूर ले लेना, क्योंकि उसके बिना बहुत ज्यादा पैसे भरने पड़ जाते हैं और बहुत ज्यादा नुकसान भी हो जाता है। तो यही थी क्लेम प्रोसेस जो अपने को अभी तक आप लोगों को बतानी थी, सारी जो इतने दिनों में हुई है वो सारी मैंने आपको इसी में बता दी, अलग अलग बनाने का कोई मतलब नहीं है। और अब जो है रेगुलर ब्लॉग्स आने वाले हैं, आप लोग भी सपोर्ट बनाए रखना, लेकिन फिलहाल अभी अपन एंड करते हैं इस वाले ब्लॉग को। अगर पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो तो, और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को इस प्रोसेस में कुछ दिक्कत है या कुछ आप लोगों को पता है तो वो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। फिलहाल अभी अपन मिलते हैं अगले ब्लॉग में।